स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल कब तक के लिए वैलिड होती है। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया कि एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल में क्या डिफरेंस होता है और आपकी एंटीसिपेटरी बेल कब रेगुलर बेल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप उससे देख लीजिए जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल कब तक के लिए वैलिड होगी। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है तो क्या अब हमें रेगुलर बेल भी लेना ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस चल रहा है और आपको उसमें डाउट है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, और अगर आपको गिरफ्तार किया जा चुका है तो आप लेते हैं रेगुलर बेल। इसके बारे में पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया है इसके पहले के वीडियो में। अगर हम बात करें कि एंटीसिपेटरी बेल कब तक के लिए वैलिड होती है तो इसके इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है जो कि 5 मार्च 2021 का है, राजेंद्र प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस में जब चार्जशीट दायर कर दी गई तो कहा गया कि आपको रेगुलर बेल लेनी होगी क्योंकि चार्जशीट दायर कर देने के बाद आपकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई है। जब इसके लिए पिटिशन डाला गया तो इसमें ये निर्णय आया कि कोई भी एंटीसिपेटरी बेल केवल इस आधार पर खारिज नहीं हो जाती कि उसमें चार्जशीट दायर हो गई है या फिर केस का स्टेज चेंज हो गया है। केवल केस के स्टेज में चेंज हो जाने पर एंटीसिपेटरी बेल खारिज नहीं हो जाती है। अगर हम धारा 438 के बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा इवेंट नहीं बताया गया है जिसके घटित हो जाने पर एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाएगी। कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसके हो जाने पर एंटीसिपेटरी बेल की वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। एंटीसिपेटरी बेल हमारी तब खारिज हो सकती है, तब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो सकती है जबकि उसमें दिए गए जो कंडीशंस हैं आप उसको फुलफिल नहीं करते हैं। अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल ली है और आप इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उसमें दिए गए कंडीशंस को आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल की वैलिडिटी ख़त्म नहीं होनी है, तब तक नहीं ख़त्म होनी है जब तक कि केस में ट्रायल चलता रहता है या केस ख़त्म ना हो जाए। तो इसलिए अगर आपके मन में ये डाउट है कि एंटीसिपेटरी बेल की वैलिडिटी कुछ समय के लिए होती है तो ये आपका डाउट गलत होता है। एंटीसिपेटरी बेल मान्य होती है पूरे केस तक, जब तक केस चलता रहता है तब तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता जब आपने एंटीसिपेटरी बेल ली हुई है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करते हैं और आप उसमें दिए गए कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। अगर आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते और आप इन्वेस्टिगेशन में भी सहयोग नहीं करते हैं तो ऐसे आधार पर आपकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जा सकता है। अगर कभी ये शंका होती है कि जो कंडीशंस लगाई गई हैं आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जाता है। अधिकतर करके जब हम देखते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल हमने ली है तो उसमें जो कंडीशन लगाई जाती है उसमें एक मेन कंडीशन होती है कि आप कंट्री को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे, या कभी कभी क्या होता है कि आपके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया जाता है। अब अगर स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें ये लगता है कि आप कंट्री छोड़ करके जा सकते हैं, आप देश छोड़ करके जा सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज किया जा सकता है। अन्यथा ऐसी कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बताई गई है जिसके घटित होने पर, जैसे कि अगर आपके मामले में चार्जशीट दायर हो गई है या फिर आपके केस में कोई स्टेज केस का चेंज हो गया है तो उसमें आपकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाती है। वो खारिज केवल तभी होगी जब आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं या फिर आप उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिए जिससे आपका ये डाउट कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, रेगुलर बेल क्या होती है, कैसे ये कन्वर्ट हो जाती है और एंटीसिपेटरी बेल कब तक के लिए वैलिड होती है, ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।